दोस्तों आज के इस वीडियो में कानपुर मेट्रो के बारे में डिटेल में जानेंगे। कानपुर मेट्रो का फेज वन अंडर कंस्ट्रक्शन है और दिसंबर 2021 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। कानपुर मेट्रो की कंप्लीट जानकारी के लिए देखिए इस वीडियो को एंड तक। कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और कानपुर लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कानपुर में ज़्यादातर इंडस्ट्री होने से इसे उत्तर प्रदेश का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। इसीलिए लखनऊ के बाद कानपुर को भी अब मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। कानपुर मेट्रो को दो फेज में डिवाइड किया गया है। पहले फेज में टोटल 22 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर का पहला स्टेशन IIT कानपुर और आखिरी स्टेशन नौबस्ता और इसकी लेंथ 23.8 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर में 8 मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड हैं और 14 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड होंगे और ये कॉरिडोर रेड लाइन के नाम से बनाया जा रहा है। दूसरे फेज में टोटल 8 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाना है। इस कॉरिडोर को CSA यूनिवर्सिटी से बर्रा तक बनाया जाएगा। इसकी लेंथ 8.6 किलोमीटर होगी और इसमें 4 मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड और 4 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर को ब्लू लाइन नाम दिया गया है। इन दोनों कॉरिडोरों के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। UPMRC यानी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कानपुर मेट्रो का निर्माण तेजी से कर रही है, क्योंकि कानपुर मेट्रो को तैयार करने का टारगेट सिर्फ 30 महीने का है। पर यदि UPMRC ये प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट कर लेती है तो ये इंडिया का रिकॉर्ड प्रोजेक्ट बन जाएगा, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना आसान काम नहीं है। लेकिन UPMRC को इसका अच्छा एक्सपीरियंस है। UPMRC ने लखनऊ मेट्रो को 3 साल के रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया था। और अब बात करते हैं कि कानपुर मेट्रो के लिए किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो इसमें सिविल वर्क यानी एलिवेटेड ट्रैक बिछाने और मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट एपकॉन्स इंफ्रा को दिया गया है। वर्तमान में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। हर सेक्शन पर पिलर का कंस्ट्रक्शन चालू है और ज़्यादातर पिलर का काम पूरा हो चुका है और इस पर यूसेफ गार्डर बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया। पिलर्स पर पहला यूसेफ गार्डर IIT कानपुर मेट्रो स्टेशन के पास पिलर नंबर 18 और 19 के बीच डाला गया था, लेकिन अब लगभग गार्डर बिछाने का काम पूरा हो चुका है। पहले फेज में IIT कानपुर मेट्रो स्टेशन से मोती झील तक मेट्रो दौड़ेगी। IIT कानपुर मेट्रो स्टेशन से मोती झील तक की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर की है और इसमें 9 मेट्रो स्टेशन होंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला मेट्रो स्टेशन है IIT कानपुर मेट्रो स्टेशन, फिर कल्याणपुर रेलवे स्टेशन, SPM हॉस्पिटल, CSJM यूनिवर्सिटी, गुरुदेव चौराहा, गीता नगर, रावतपुर रेलवे स्टेशन, लाला लाजपत राय हॉस्पिटल और मोती झील। इन दोनों कॉरिडोरों को कंप्लीट होने के बाद दो और मेट्रो कॉरिडोरों को कानपुर में बनाने की प्लानिंग की जा रही है। पहला कॉरिडोर यानी ग्रीन लाइन NRI CTC से फूलबाग तक, जिसमें 10 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, और दूसरा कॉरिडोर एयरपोर्ट मेट्रो लाइन होगा, जो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू होकर एयरपोर्ट तक बनाने का प्लान है। कानपुर मेट्रो की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर होगी और मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति आवर होगी। पहले कानपुर मेट्रो के लिए कोच बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी को दिया गया था, लेकिन चाइना से संबंध बिगड़ने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया और अब गुजरात बेस्ड भारतीय कंपनी कानपुर मेट्रो के लिए कोच बना रही है, जो शुरू में 39 कोच कानपुर मेट्रो के लिए सप्लाई करेगी। पहले दिन से ही कानपुर मेट्रो ट्रैक पर 13 ट्रेनें चलाई जाएंगी। हर ट्रेन में 3 कोच होंगे और 4 मिनट के गैप पर ट्रेन अवेलेबल होगी। एक ट्रेन में लगभग 900 यात्री शपथ तय कर सकेंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर कानपुर मेट्रो में कोचों की संख्या को बढ़ाकर 6 किया जा सकेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाना। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम शो हो रहे हैं और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।